हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज़ के डे 78 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों ने स्पेशल मैथ टेस्ट भी लॉन्च किया है BSC अकेडमी में ही, राजेंद्र नगर ब्रांच और मोरिंग रोड ब्रांच में। जो लोग इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग पटना से हैं, वो लोग इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। सवाल हमारा क्या है? टू कास्क फुट ऑफ 48 एंड 42 लीटर आर फुल्ड विथ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर। ठीक है, दो कास्क है हमारे पास। एक का क्वांटिटी हमारा दिए हुए है 48 लीटर, दूसरा का कितना दिए हुए है 42 लीटर। ठीक है, दोनों में क्या है हमारा, एक में भी इसमें भी हमारा वाइन एंड वाटर है और इसमें भी हमारा क्या है, वाइन एंड वाटर। द पोर्शंस और इन दो इन द टू कास्क बींग रिस्पेक्टिवली 13:7 एंड 18:17। जो पोर्सन है वाइन और वाटर का इन दोनों कास्क में, वो क्या है 13:7 में है। ठीक है, और कितना है 18:17 में। क्या बोल रहा है सवाल में, इफ द कंटेंट ऑफ टू कास्क बी मिक्सड, दोनों कंटेंट को मिक्स किया जाए एंड 20 लीटर वाटर इज एडेड टू द होल। ठीक है, और पूरे में 20 लीटर पानी मिला दिया जाता है। What will be the proportion of water, wine to water in the resultant mixture? Wine और water का portion क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ से wine निकाल लेंगे। Wine अगर हम लोग first container अगर A का बात कर रहे हैं, तो A में wine हमारा कितना हो जाएगा 13/20 इंटू कितना 48। ठीक है, और जब mix करना है तो इसका भी wine के साथ ही mix करेंगे, यानी कि total wine हमारा कितना हो जाएगा 18/17 डेट इज 35 इंटू कितना हमारा 42। टोटल वाइन हमारा निकल गया ये। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, वाटर निकालेंगे। वाटर निकालेंगे जब, तो वाटर हमारा कैसे निकलेगा यहाँ से, 7/20 इंटू 48 और फिर प्लस में हमारा 17/35 इंटू क्या हमारा 42। ठीक है, इतना तो हमारा मिक्सचर हो गया। फिर क्या बोल रहा है हमारा सवाल में कि 20 लीटर पानी और हम मिला देते हैं तब रेशियो पूछ रहा है, तो 20 लीटर मैंने पानी फिर मिला दिया। 20 जब पानी मिलाएंगे और इसी का हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, फर्दर इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से हम काट देंगे 7 से 5 बार में, 7 से कितना बार में, 6 बार में। ठीक है, 6 बार में काट दिए, यहाँ से हम काट देंगे 2 से 10 बार में, 2 से हमारा कितना बार में, 24 बार में। 24 इंटू जब हम 13 करेंगे तो 24 इंटू 13 हमें देगा 312। ठीक है, अपॉन में 10। फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 5 है। मेरा ये तरीका है करने का, आप लोग जैसे भी चाहो इसे सॉल्व कर सकते हो, इसे सॉल्व ही करना है जस्ट अब। तो जब मेरा ये तरीका है, जब मैंने नीचे 5 देगा तो मैं अपने मन से यहाँ पे 2 और ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 इंटू 2 12 हमारा हो जाएगा, 12 इंटू 18 जब मैं करूँगा तो ये मुझे देगा 216। ठीक है, 216 अपॉन में कितना 10, और फिर मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा। नीचे जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे पानी में यहाँ क्या, फिर उसी तरीके से 2 से 10 बार में, 2 से हमारा 24 बार में, 24 इंटू 7 जब करूँगा तो ये मुझे देगा 168। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पे उसी तरीके से 7 से काटूंगा 5 बार में, फिर 7 से 6 बार में, फिर नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 12 12 इंटू 17 जब करूँगा तो ये मुझे देगा 204। ठीक है, और सारे के बटे में 10 है। जब 10 यहाँ पे आ गया, फिर प्लस में मुझे 20 करना है, इस 20 को भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 20 इंटू 10 और अपॉन में कितना 10। इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा कि 10 10 10 जो है दोनों जगह से कट जाएंगे। ठीक है, जब 10 10 10 कट ही जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ऊपर में कितना बच जाएगा हमारा, 6 2 8 1 1 2 और 3 2 5। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 200 200 यानी कि 404 और प्लस 168 जब मैं ऐड करूँगा तो ये मुझे देगा 572। और इसी को जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो इसे काटने के बाद मुझे मिलेगा 44 से जब मैं इसे काटूँगा तो ये मुझे देगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे ये मुझे क्या देगा 13। यानी कि वाइन और वाटर का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 12/13 यानी कि 12:13। और हमारा आंसर क्या है, 12:13। इसी के साथ कुछ नहीं करना था, जस्ट वाइन को वाइन के साथ मिला देना था, वाटर को वाटर के साथ मिला देना था और वाटर में बस एक्स्ट्रा 20 लीटर ऐड कर देना था। अब इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जहाँ तक आसान लगता है मैं डिनोमिनेटर को बराबर करके उसे सॉल्व कर देता हूँ, वो मुझे थोड़ा सा आसान लगता है, ये मेरा तरीका है। अगर आपको भी सही लगता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, नहीं यूज लगता है तो आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो, कोई डिफ्रेंसिएस नहीं है उसमें। ठीक है, होप आप लोगों को क्लियर होगा।